उधम सिंह नगर की विधानसभा बाजपुर के गांव रतनपुरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने अध्यापकों की नियुक्तियों की मांग को लेकर विद्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। एक रिपोर्ट देखिए। तीन साल से यहाँ पे टीचर नहीं है, हर बार दिल को तसल्ली दे देते हैं अगर के टीचर आएंगे, पर आज तक कोई टीचर नहीं आया। भले ही प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम वादे करती है, लेकिन वो वादे कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। उधम सिंह नगर के छात्र छात्राएं प्रदेश सरकार के वादों की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। ये वही जनपद है जहां से प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ प्रदेश सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है छात्र छात्राओं को स्कूल में तालाबंदी कर आंदोलन करने का। तीन साल से यहाँ पे टीचर नहीं है, हर बार दिल को तसल्ली दे देते हैं अगर के टीचर आएंगे, पर आज तक कोई टीचर नहीं आया। 10 के क्लास के विद्यार्थियों को देख के हमें भी डर लग रहा है कहीं हमारा भी रिजल्ट खराब ना जाए, क्योंकि इस बार भी बच्चे बहुत सारे फेल हुए हैं। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, पर टीचर ना होने की वजह से वो भी फेल हो गए हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करी तो हम भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं, इसीलिए हमने सब छात्रों ने मिलकर ये फैसला किया है कि तालाबंदी करेंगे स्कूल में। इसी वजह से प्लीज़ हमारी मांगें पूरी कीजिए, टीचर भेजिए विज्ञान के, हिंदी का और अंग्रेजी का। प्लीज़ हमारी मांगें पूरी कीजिए, हमें टीचर चाहिए वरना हमारा भी भविष्य बेकार हो सकता है। 2019 का रिजल्ट देखते हुए हमने टीचरों की कमी के कारण अपने स्कूल में तालाबंदी की है। अगर हमारी समस्या पूरी नहीं की गई तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मामला बाजपुर के ग्राम रतनपुरा में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय का है, जहाँ हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के अध्यापक पिछले 4 सालों से नहीं है, जिसका नतीजा है विद्यालय में पढ़ाई ना होने से छात्र छात्राओं के भविष्य पर असर पड़ रहा है। स्कूल का परिणाम लगातार गिरता जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं में आक्रोश बना हुआ है। छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर गेट पर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही मांगे पूरी ना होने पर भूख हड़ताल पर जाने की शिक्षा विभाग को चेतावनी दी। कक्षा 10th के विद्यार्थियों का भविष्य बेकार हो रहा है। 3 साल से यहाँ कोई टीचर नहीं आया है, विज्ञान, इंग्लिश और मैथ, यहाँ बच्चों का रिजल्ट भी बेकार होता जा रहा है। सिर्फ हमारे एक टीचर हैं SST के, श्री भजन सिंह भुस्कर, उनकी वजह से हमारा स्कूल चल रहा था अभी तक। आज हमने बच्चों ने मांग करी है बहुत, पिछली बार भी हमने 3-4 फेरी मांग करी थी लेकिन कोई टीचर नहीं आया। इस बार हमने 3-4 फेरी मांग करी है कि हमारी मांगें पूरी की जाएँ, हमारे स्कूल में टीचर लाए जाएँ। हमारे विद्यालय में हर साल रिजल्ट बहुत खराब जा रहा है, यहाँ 3-4 साल से अध्यापक किसी भी विषय का अध्यापक नहीं है, सिर्फ एक विषय के अध्यापक हैं। और आज इसी बात को लेकर हम सब छात्र संघ ने, छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी करी है और प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। वही छात्रों के आंदोलन की सूचना मिलते ही खंड शिक्षा विभाग मौके पर पहुंच गए और छात्रों को आश्वासन देकर शांत करवाया। खंड शिक्षा अधिकारी हवलदार सिंह ने बताया कि अध्यापकों की कमी सभी विद्यालयों में चल रही है। रतनपुरा विद्यालय में टीचरों की जल्द ही नियुक्ति की जाएंगी, जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो सके और स्कूल का रिजल्ट अच्छा निकले। बच्चों से भी वार्ता किया और चूंकि निश्चित रूप से यहाँ पर जो है कि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तीनों विषयों के पद रिक्त हैं और इनकी मांग है कि हमारे यहाँ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के अध्यापक आने चाहिए, चूँकि हम लोगों का जो है भविष्य खराब हो रहा है। और मैंने अंग्रेजी के अध्यापक के लिए कहा कि अंग्रेजी के अध्यापक जो है कि स्थानांतरित होकर के यहाँ पे आ रहे हैं, और गणित विज्ञान के जो अध्यापक हैं उनके लिए हम उच्च अधिकारियों से हमने वार्ता भी किया और आपके ज्ञापन के अनुसार जो है उच्च अधिकारियों को इस चीज़ को भी पहुँचाएंगे कि यहाँ पर यथाशीघ्र जो है कि गणित और विज्ञान के अध्यापक की व्यवस्था किया जाए। उन्होंने कहा है कि टीचरों की नियुक्ति को लेकर उच्च अधिकारियों से भी बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तीन साल से यहाँ पे टीचर नहीं है, हर बार दिल को तसल्ली दे देते हैं अगर के टीचर आएंगे, पर आज तक कोई टीचर नहीं आया।